शानदार खबर और शानदार तस्वीरें सामने आई हैं। मेघालय की राजधानी शिलांग से यहाँ चार दिनों तक चले रामनवमी त्योहार का धूमधाम से समापन हुआ। इस मौके पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। महाराष्ट्र में अमरावती के हनुमान मंदिर में सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। इसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया और 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया। सांसद नवनीत राणा ने इसका आयोजन किया। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी की हैं, जहां G20 की बैठक में हिस्सा लेने आए प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने पारंपरिक नृत्य का लुत्फ उठाया। प्रतिनिधिमंडल के सदस्य कलाकारों के साथ डांस करते हुए इस दौरान नजर आए। त्रिपुरा के अगरतला में भी G20 से जुड़ा सम्मेलन हो रहा है। आज से शुरू होने वाला यह सम्मेलन कल तक चलेगा। सम्मेलन के लिए शहर को शानदार तरीके से सजाया गया है। सम्मेलन में शामिल होने के लिए आए प्रतिनिधियों का शानदार भव्य स्वागत। पटना में जमालपुर के रहने वाले दीपक ने युवाओं को नई राह दिखाई है। दीपक ने नौकरी छोड़कर मशरूम की खेती शुरू की। मशरूम की खेती से वो लाखों रुपए कमा रहे हैं और करीब 150 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में 22 साल के किसान साहिल मोरे ने भी कमाल कर दिया। साहिल मोरे ने 8 एकड़ में मिर्च की खेती करके 40 लाख रुपए कमाए। इसके लिए इस नौजवान किसान ने ड्रम फिल्टर, वेंचुरी और डीप इरिगेशन सिस्टम जैसी नई तकनीक का इस्तेमाल किया। ओडिशा के जाजपुर से शानदार खबर कर निकल के सामने आई है। यहां पर बारचाना ब्लॉक में प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले हैं। ये प्राचीन मंदिर 3 से 4 एकड़ में फैला था। पूरी दुनिया में उत्साह के साथ वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया गया। इस मौके पर ऑटिज्म सेंटर फॉर एक्सीलेंस ने खास पहल की। इसके तहत दिल्ली के हॉरिजोन प्लाजा को नीली रोशनी से जगमग किया गया। राजस्थान के जैसलमेर से गुड न्यूज है, जहां पर डेजर्ट नेशनल पार्क में आर्टिफिशियल हैचिंग के जरिए सोन चिड़िया के तूजों का जन्म हुआ। इस उपलब्धि से स्थानीय वन विभाग में खुशी की लहर है।